हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गोपा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फॉर्चूला का प्लांट केयर के बारे में और इसका देखभाल के बारे में, इसका पॉटिंग सॉइल मिक्स कैसे होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र टोटल केयर के बारे में आज बात करेंगे। तो इससे पहले जो जो मेरे चैनल पर नए हैं, सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स, फॉर्चूला का जो है समर प्लांट है, समर में जो है ग्रो करते हैं, या तो आप बोलिए कि मानसून में बरसात जब होते हैं तो इस टाइम में ग्रोइंग टाइम होते हैं, तभी जो इसका फुल जो है ब्लूमिंग टाइम होते हैं, फुल ब्लूमिंग करते हैं। तो इसके केयर के बारे में फर्स्ट में मैं ये बोलना चाहूँ, इसका पॉटिंग सॉइल मिक्स कैसे होनी चाहिए। तो इसका जो है, क्योंकि फॉर्चूला हम लोग जो है ज़्यादातर जो है इसको जो हैंगिंग में ही रखते हैं, ऐसे तो पॉट में नीचे में भी रखते हैं, पॉट में भी ग्रो करते हैं, लेकिन हैंगिंग पॉट में ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो इसके लिए जो है थोड़ा सॉइल मिक्स थोड़ा हल्के अगर हो, वेट वाला हो तो बेहतर होते हैं। इसलिए पॉटिंग सॉइल मिक्स कुछ ऐसे बनाएं कि 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 20% सैंड और 30% जो है काउडंग कंपोस्ट। इस तरह के सॉइल मिक्स बना के अगर आप इसका जो है फॉर्चूला का सॉइल मिक्स बनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इस तरह से बना के आप इसको थोड़ी पॉटिंग कर दिए, इसके बाद थोड़ा दिन के बाद जब ये बड़े हो गए तब इसका आप बारी आती है फर्टिलाइज़र का। तो आप इसको जो है फर्टिलाइज़र जो है काउडंग जो मैन्यूर जो होते हैं वो आप अगर 10 दिन या 15 दिन में एक बार इसको यूज़ कर दिए इस प्लांट पे, वही जो है बेस्ट भी है, वही जो है काफ़ी है इस प्लांट के लिए। और कोई भी फर्टिलाइज़र का इस पर जो ज़रूरत नहीं होते हैं, जो आप ये जो काउडंग मैन्यूर होते हैं यही आप जो है 10 रोज़ 15 रोज में एक बार दे दीजिए और यही सबसे बेस्ट होते हैं और आपको कोई चीज़ देने का ज़रूरत नहीं है। बात करें इसका सनलाइट का, तो ये तो सनलाइट पसंद प्लांट तो है ही है। तो इसको आप सनलाइट में रखें और जो मेन पॉइंट वाली बात है, जो इस प्लांट को जो है बरसात के पानी से आप बचा के रखें। बरसात के पानी इस प्लांट पे बिल्कुल भी ना पड़े, नहीं तो इस प्लांट जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और जिसके रूट जो है गलने लगते हैं। तो इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जो जहाँ जो है बरसात का पानी ना पड़ता हो और इसका मिट्टी जो भीगता ना हो, ऐसी जगह पे आप इस प्लांट को रखें। बात करें इसका केयरिंग का जो है, किस तरह से ज़्यादा फ्लावर पा सके, इसके लिए जो है आप क्या करें, कभी कभी जो है इस तरह से जो कटिंग जो है ले ले, जो जो ब्रांचेस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गए हैं उस ब्रांचेस को आप काट कर ले और काट करके आप मिट्टी में लगा दें। और फिर आप ये प्लांट को देख सकते हैं, इस प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावर नहीं है, देखिए। और तो इस प्लांट में मैं एक फर्टिलाइज़र की यूज़ किए थी, ये था बनाना पील का फर्टिलाइज़र। इसके बाद आप इस में जो है थोड़े छोटे छोटे हैं कलियाँ देख सकते हैं। तो बनाना पील फर्टिलाइज़र देने के इस पर जो है असर हुआ है और जो कलियाँ स्टार्ट हो गए हैं और फ्लावर भी स्टार्ट हो गए हैं छोटे छोटे। तो अगर आपका प्लांट अगर फ्लावरिंग नहीं दे रहे हो, तो कभी कभी होते हैं जो प्लांट तो ग्रो होते जाते हैं लेकिन फ्लावर नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में आप जो है बनाना पील का फर्टिलाइज़र आप 10 दिन में एक बार अप्लाई कर दीजिए अपना प्लांट को, तो इससे जो है आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप देखें जो जहाँ जहाँ जो आपका प्लांट का जो है कोई ब्रांचेस जो है लंबे हो चुके हैं, उस ब्रांचेस को आप काट लीजिए और जो है आपके पास जो भी सॉइल मिक्स हो, पुराने पॉट वाली मिट्टी जो है उसी पॉट में आप जो है ये सबको जो है ऐसे हल्के से जो है इसको लगा दीजिए, क्योंकि बरसात के मौसम है, अभी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। इस तरह से लगा के आप पानी दे दीजिए, बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाते हैं, इससे आप एक प्लांट से अधिक प्लांट भी पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, जो इस प्लांट को
बरसात के मौसम का जो है पानी होता है, बरसात का पानी ये बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं दोबारा में इस बात को मैं बोल रही हूँ कि बरसात के पानी से इस प्लांट को बचा के रखें, बरसात के ऐसी जगह पे प्लांट को रखें जहाँ बरसात के पानी ना आता हो ना पड़ता हो। तो इस तरह से आप सभी कटिंग को लगा दीजिए, लगाने के बाद आप पानी दे दीजिए। इससे आपको जो है एक प्लांट से आप अधिक प्लांट भी बना सकते हैं, आपका गार्डन का शोभा भी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।